बड़े बाजे गाजे के साथ पनवेल रेलवे स्टेशन से मंत्रालय तक की एयर कंडीशन बस सेवा शुरू की गई। हालांकि यह बस सेवा राष्ट्रवादी के वर्तमान पनवेल शहर अध्यक्ष सुनील घरत के प्रयासों से शुरू की गई थी, मगर हमेशा दूसरों की अंगीठी पर रोटियां सेकने वाले प्रशांत ठाकुर और रामशेठ ठाकुर ने आनन फानन में नगराध्यक्षा चारुशीला घरत एवं भक्ति कुमार दवे के हाथों इस बस सेवा का उद्घाटन करवाया। NMMT द्वारा शुरू किए गए इस बस सेवा के उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा बाकायदा तय हुआ था, मगर आनन फानन में इसका उद्घाटन करवा के ठाकुर पिता पुत्रों ने यह आभास निर्माण किया कि पनवेल से मंत्रालय ऐसी बस सेवा के लिए कांग्रेस ने ही प्रयास किए थे। लेकिन सच्चाई कभी न कभी तो सामने आ ही जाती है। राष्ट्रवादी का श्रेय हथिया कर बस सेवा शुरू करने का नाटक रचाने वाले ठाकुर पिता पुत्रों की पोल तब खुली जब बस सेवा दूसरे ही दिन से खंडित हुई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मान लिया जाए कि यह बस सेवा शुरू करवाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो महज एक दिन के बाद बंद हुई इस सेवा को दोबारा शुरू करवाने के लिए कांग्रेसी नेता रामशेठ ठाकुर और प्रशांत ठाकुर ने पहल या प्रयास क्यों नहीं किए? क्या यह महज दिखावा नहीं था, या फिर उत्पादन शुल्क मंत्री गणेश नाइक के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस बस सेवा को दोबारा शुरू करवाने की काबिलियत इन ठाकुर पिता पुत्रों में नहीं है? जो भी हो, मगर इस मामले से एक बात सामने आ चुकी है कि दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा किए गए किसान आंदोलन हो, कोई विकास कार्य हो, या फिर कामगारों के लिए किया गया संघर्ष हो, अगर उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं तो श्रेय हथियाने की होड़ में ठाकुर पिता पुत्र हमेशा सबसे आगे ही होंगे। कैमरा पर्सन दत्ता के साथ कर्नाला TV के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।